Hello students, in today's video we will study about the intrinsic semiconductor. Aaj ki video mein hum analysis karenge ki intrinsic semiconductor kya hota hai. Just basic hume samajhna hai aaj ki video mein about the intrinsic semiconductor. To intrinsic semiconductor ke kuch aur naam bhi hote hain jo aapko pata hona chahiye, like pure semiconductor or you can say natural semiconductor और नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर. तो ये आपको सारे नाम क्लियर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर और नेचुरल सेमीकंडक्टर और नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर, क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होती है और वो आपकी इक्वल होती है Ni के. ठीक है, तो यहां पर Ni क्या है? Ni आपकी कहलाती है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन. और जो आपकी Ni की वैल्यू होती है वो सिलिकॉन के लिए डिफरेंट होती है और जर्मेनियम के लिए डिफरेंट होती है. तो अगर हम बात करें सिलिकॉन के लिए तो Ni की वैल्यू होती है 1.5 × 10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू होती है आपकी 2.5 × 10^13 पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है, तो यहां पर ये आपकी वैल्यू होती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए. तो यहां पर अगर हम बात करें इसी के इक्वल आपका P होगा और इसी के इक्वल आपका N होगा, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो. अब यहां पर Ni का एक फॉर्मूला होता है, काफी फेमस फॉर्मूला है Ni स्क्वायर का. अभी के लिए मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला नहीं देने जा रहा हूं, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ हाफ फॉर्मूला दे रहा हूं. दैट मींस जो स्टार्टिंग के टर्म्स हैं जो हम आगे जाके फर्मी लेवल वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे उन्हें अभी मैं के से डिनोट कर रहा हूं. तो के टी क्यूब ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एन आई की तो जो एन आई है वो हो जाएगा अंडर रूट के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2 kT. तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी दिया है उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि जो एन आई होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो एन आई जो है या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है. क्लियर है, ऑल दो यहां पर भी टेम्परेचर का अफेक्ट होगा लेकिन ये अफेक्ट काफी ज्यादा होता है टी की पावर 3/2 का. इसलिए आपको माइंड में रखना होगा कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. ठीक है, तो ये आपका होता है एन आई. नाउ अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपकी बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है ना, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं या सिलिकॉन की बात करूं तो यहां पर आपको माइंड में रखना होगा जो बॉन्डिंग होती है वो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. इन वन कोवेलेंट बॉन्ड देयर विल बी टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोज में. ठीक है, तो दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड में और आपका जीरो केल्विन में ऑल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर परफेक्टली, मींस जीरो केल्विन पे आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कभी ब्रेक नहीं होते. ठीक है ना, बॉन्ड आपका एकदम परफेक्ट बना रहता है. तो जो जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है विल वर्क एज अ इंसुलेटर. ठीक है ना, जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये आपका वर्क करेगा लाइक अ इंसुलेटर. नाउ यहां पर अगर हम बात करें 300 केल्विन पर तो एट 300 केल्विन इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं. ठीक है, तो होता क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और होल जो है वो वैलेंस बैंड में रह जाता है आपका. ठीक है ना, और चार्ज जो होता है होल पे वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव. और बेसिकली होल आपका क्रिएट क्यों होता है,
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर मैं होल की डेफिनेशन बोलूं तो होल इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन द ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक होता है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या कहलाता है, होल कहलाता है। तो यहां पर अगर मैं आपको शो कर दूं 300 केल्विन पर, तो दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड, और यहां पर क्या होगा आपका ईसी, यहां पर क्या होगा आपका ईवी। तो ये जो आपका ईसी और ईवी है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब आपके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं 300 केल्विन में, 300 केल्विन पे क्यों ब्रेक होते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। तो होता क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतने ही होल्स आपके क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या बोलते हो कि N इज इक्वल टू P इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं उतने ही होल्स आपके वैलेंस बैंड में होते हैं, क्लियर है। तो N हमेशा P के इक्वल होता है इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और उनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, Ni के, इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन के, क्लियर है। तो यहां पर बेसिकली होल क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो आपके कंडक्शन बैंड में चले गए तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आपके क्या है, होल्स हैं, क्लियर। और होल पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव। तो यहां पर अगर आपकी बात करें, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं, बाइपोलर है आपका सेमीकंडक्टर। तो होता क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों में चार्ज अपोजिट है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और होल का क्या होता है, पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर मैं यहां करंट की बात करूं तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम होता है डायरेक्शन ऑफ होल्स के, ठीक है। और यहां पर अपोजिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन और होल भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सपोज करिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये कहलाएगी आई एन। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो होल के कारण करंट होती है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये क्या होगी, आई पी। तो ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट उनके कारण जो करंट होती है उनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, और टोटल करंट की वैल्यू क्या होती है, आई एन प्लस आई पी। तो आई एन क्या है आपका, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आई पी क्या है आपका, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स। अगर मैं यहां पर बात करूं कौन सी करंट ज्यादा होती है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो करंट है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो आपका होता है प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, जिसके कारण करंट भी आपकी मोबिलिटी पर डिपेंड करती है, और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू होल मोबिलिटी, अगर हम बात करें सिलिकन की और जर्मेनियम की, दोनों ही केस में। तो जो आपका आई एन है वो क्या होता है, आई पी से बड़ा होता है जनरली, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर होगा ये कंसेप्ट। तो ये आपका हो जाता है यहां पर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी, तो ये क्या होगी आपकी, एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। वैसे हमने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या स्टडी की है, चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है ना, चार्ज इंटू कैरियर कंसेंट्रेशन इंटू मोबिलिटी। तो चार्ज हमने एज इट इज लिख दिया, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की आएगी, तो म्यू एन प्लस म्यू पी, और कैरियर कंसेंट्रेशन यहां पर क्या होता है, एन आई होता है, ठीक है ना। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एन आई। तो ये आपका आ गया सिग्मा आई, और सिग्मा आई अगर आप डायरेक्टली देखें तो एन आई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिग्मा आई आपका मोबिलिटी के भी प्रोपोर्शनल है, बट आपको पता है कि जो एन आई का इफेक्ट है ना, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने का, वो मोबिलिटी के इफेक्ट से कहीं ज्यादा है जो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है,
इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो आपकी टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, जब हम बात करते हैं किसकी, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर की। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। इसी का जस्ट उल्टा आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर के लिए, एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। और यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी एज टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो यहां पर कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों में हमेशा आपका अपोजिट रिलेशनशिप ही होगा। नाउ यहां पर अगर हम बात करें कुछ कंसेप्ट की, जैसा मैंने आपको बताया जब आप रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, 300 केल्विन तक आप पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ देर के बाद जब फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हैं तो वो वापस से वैलेंस बैंड में आते हैं और होल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग कर लेता है होल के साथ तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ विल डिसअपियर एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज क्रिएटेड। देखिए रिकॉम्बिनेशन वही होगा, जस्ट अपोजिट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे उसके पहले वाला जो स्टेप होगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद आपको वही स्टेप मिल जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे जनरेट हुए थे, आपको थर्मल एनर्जी मिली थी जिसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बने थे, यहां पर होल का कोई कंसेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बने थे, वो ब्रेक हुए थे जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे और वो चले गए थे कंडक्शन बैंड में। और जिस प्लेस से इलेक्ट्रॉन चले गए थे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हमने क्या कहा था, होल। तो वापस से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एनर्जी लूज करके वैलेंस बैंड में वापस आ गए तो आपका जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों डिसअपियर हो जाएंगे और आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ ये होता है आपका रिकॉम्बिनेशन। नाउ अगर अगली बात करें हम कैरियर लाइफ टाइम, तो कैरियर लाइफ टाइम आपका क्या होता है, तो यहां पर जो कैरियर लाइफ टाइम होता है आपका, इसे हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो बेसिकली टाउ है क्या, इट इज द इंटरवेल ऑफ द टाइम फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अंटिल इट्स रिकॉम्बिनेशन। मीन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक होता है और फिर रिकॉम्बिनेशन होता है तो वही आपका जो टाइम है वही कहलाता है आपका कैरियर लाइफ टाइम, ठीक है। तो टाउ की जो रेंज होती है वो जनरली आपकी माइक्रोसेकेंड टू नैनो सेकेंड होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होते हैं उसके बाद जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो टोटल टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में, वो क्या कहलाता है आपका, कैरियर लाइफ टाइम। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे डोपिंग का, एंड देन फिर हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का, दैट मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पूरे कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।